अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मंडे का दिन है और व्लॉग अभी स्टार्ट किया है। दोस्तों काम हमने पहले स्टार्ट कर चुके हैं, तीन राइडें हमारी हो चुकी हैं। दोस्तों पहली राइड जो है वो G13-1 से हमने पिक की थी G10, और दूसरी राइड जो थी वो G10-4 से हमने पिक की थी H81, और तीसरी राइड जो ली थी वो दोस्तों इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हमने G9 मरकज में जो अड्डा है बिग साइड पे वहाँ पे हमने ड्रॉप की। अभी हम G9 मरकज में हैं दोस्तों, यहाँ से हम चौथी राइड लेंगे दोस्तों। मौसम आज अच्छा है, बादल है थोड़े से, मतलब गर्मी भी है लेकिन गाड़ी में गर्मी हो रही है, बाहर मौसम बिल्कुल ठीक है। और आज दोस्तों जितना भी काम करेंगे वो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। एक और चीज़ है दोस्तों, महरान का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रही हैं। बस हफ्ते दो हफ्ते में के बाद यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएंगी, स्कूल भी 14 अगस्त के बाद शुरू हो जाएंगे, कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। तो जिस के पास महरान है वो अपने गैरेज में खड़ी की हुई थी उसको उनका निकालने का वक्त आ गया है दोस्तों। महरान का सीज़न शुरू हो चुका है क्योंकि गर्मी भी ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो पहले जो एसी की राइड बुक करते थे वो भी अब नॉर्मल गाड़ियों की तरफ आएंगे, नॉर्मल गाड़ियों की तरफ जब आएंगे तो महरान का ऑटोमेटिक काम ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। राइड बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और गाड़ियाँ तो उतनी ही होंगी जितनी अभी हैं। जब राइडें ज़्यादा होंगी तो वो ज़ाहिर बात है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी हर गाड़ी के पास। तो महरान का सीज़न शुरू हो चुका है दोस्तों, जिस जिसके पास गाड़ी है वो काम कर सकता है। ये कमाने का सीज़न है दोस्तों, क्योंकि मैं ख़ुद महरान पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि महरान का काम कब होता है कब नहीं होता। पिछले साल भी मैंने इसी दौरान वीडियो बनाई थी कि महरान का जो है वो सीज़न शुरू हो चुका है। H13 की राइड मिली है दोस्तों G9 मरकज से। ये अभी मैं ये खड़ा हूँ दोस्तों, ये अंदर मरकज की तरफ पहचान माल की बैक साइड से मेरे ख्याल में कोई राइड है, और इनको यहाँ से पिक करते हैं दोस्तों। ये अंदर आ गए हैं दोस्तों मरकज की, वहाँ से यू टर्न दे के उस गली में जाना है। ये अलमेराज होटल के सामने है चौथी राइड दोस्तों H13 में ड्रॉप की है। ये पेरिस रोज टावर, यहाँ से हम पांचवी राइड लेंगे दोस्तों। हो गया है दोस्तों टॉप अप करना है, चुका है दोस्तों। हमारी जो टोटल अर्निंग है वो 1327 रुपये है, और 147 जो है वो हमारी कमीशन कटी है। अर्निंग जो है वो ये 1337, चार राइड हुई है टोटल। तो ये किलोमीटर तकरीबन दोस्तों 35 किलोमीटर हमने काम किया है, ये किलोमीटर सही नहीं है, इनकी रेटिंग ठीक नहीं होती दोस्तों। 5:30 बजे हम निकले थे, अभी 7:15 हुए, तकरीबन 2 घंटे हमें हुए हैं दोस्तों। तो 4 राइड टोटल हुई हैं। तो अभी यहाँ पे दोस्तों कोई राइड का वेट कर रहे हैं, गर्मी में थोड़ा सा दोस्तों इजाफा हो गया है, हवस हो गई है काफ़ी दोस्तों। इन ड्राइवर की जो ये बोनस वाली पॉलिसी है ये मुकम्मल जो है वो फ्रॉड है दोस्तों ड्राइवर्स के लिए। ये भी इनडायरेक्टली आप ऐसे समझें कि जो कस्टमर है उसको फ़ायदा बनाने के लिए किया गया है दोस्तों, क्योंकि इनका जो पार्टनर है, इनका जो कॉम्पिटेटर है ये इनको वो बोनस दे रहा है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी कस्टमर को बोनस दें, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो यंगों की तरफ शिफ्ट ना हो। तो ये क्या करते हैं, ये जब बोनस की राइड देते हैं दोस्तों तो हमारा ही जो फेयर है उसको कम करके आधा जो है वो बोनस में लगा के
और आधा फेयर में लगा के, तो कस्टमर से जो है दोस्तों आधा फेयर लिया जाता है और हमारा ही जो बोनस है वो मतलब वॉलेट में डाल देते हैं। मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ हमारा ड्राइवर का ये फ़ायदा हो सकता है कि सिर्फ उनको जो है वो टॉप अप नहीं करना पड़ता, तो उन्हीं के ही पैसे काट के तो वो वॉलेट में डाल देते हैं। सिर्फ इनका ये फ़ायदा है, बाकी एक्स्ट्रा कोई हमें मतलब पैसे नहीं मिलते राइड की। अगर बोनस की हम बोनस वाली राइड ले लें तो अगर कोई ये समझता है कि ये बोनस वाली जो राइड है इसमें हमें बोनस मिल रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। जो दोस्तों फेयर है वो काट के हमारे ही वॉलेट में डाल दिया जाता है। तो देखा जाए तो उबर और करीम इतनी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, लेकिन उन्होंने कम से कम इस तरह की दो नंबरी नहीं की थी। वो सारा कुछ करते थे, बता के करते थे कि भाई ये हम कर रहे हैं। तो ये जब फेयर बढ़ाते हैं तो बताते नहीं हैं, जब कम करते हैं फिर भी नहीं बताते। मतलब अजीब सी एक कंपनी है, मुझे को समझ नहीं आ रही है कर क्या रहे हैं इन ड्राइवर वाले। तो दोस्तों हम जा रहे हैं घर, व्लॉग कर रहे हैं एंड आज चार राइडें हुई हैं दोस्तों टोटल। आज इतना काम नहीं किया क्योंकि हम लेट निकले थे 5:30 बजे और अभी जो है वो S13 में आ गए हैं घर के पास, तो मूड भी नहीं है दोस्तों काम करने का। दोस्तों घर जा रहे हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोस्तों फिर मिलेंगे।